भैया रिसेंटली ये खबर तो सुनने में आई थी कि राघव जुयाल को मिला है अगली 3 फिल्मों में सलमान खान के साथ काम करने का ऑफर, और सबसे बड़ी फिल्म बजरंगी भाईजान 2 में भी दिखेंगे आपको राघव जुयाल एज ए रिपोर्टर। लेकिन अब किस्मत खुली है धर्मेश सर की। धर्मेश सर को भी एक फिल्म ऑफर की गई है सलमान खान फिल्म से ही, उस फिल्म में भी राघव जुयाल दिखेंगे, लेकिन इसमें आपको काफी सारे डांसर्स देखने को मिलेंगे। चलिए आपको बता देता हूँ कि क्या है, कैसे और क्यों होने वाला है ये सब। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिल्म के मुख्य एक्टर जो होंगे वो है सूरज पंचोली। सूरज पंचोली आपको रीजन पता है क्यों, किस लिए, काफी बार वीडियो बना ली सलमान खान करते हैं भाई सूरज पंचोली के लिए, क्योंकि जो आदित्य पंचोली है वो सलमान खान के काफी अच्छे दोस्त, और बुरे वक्त में आदित्य पंचोली ने सलमान खान की मदद की थी, तो अब सलमान खान आदित्य पंचोली की कर रहे हैं मदद। अब बात करते हैं मूवी किस पर होने वाली है। मूवीज थोड़ी बहुत एक्शन बेस्ड एंड ज्यादा डांस बेस्ड। एक डांस क्रू है जो फंस जाता है गलत काम के अंदर, एंड देन ये चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। सब अलग अलग किस्म के डांसर होते हैं, कोई भाई साहब हैकिंग भी जानता है डांसिंग के साथ साथ, तो कोई डांसिंग के साथ साथ फुटबॉलर भी है, मतलब कि बहुत अजीबोगरीब ग्रुप है, और ये गरीब बच्चों का ही। और यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, जितनी भी डांस फिल्में देख रहा हूँ सारे के सारे गरीब बच्चे डांस कर रहे हैं, अमीरों के बच्चे फिर कर क्या रहे हैं? अच्छा फिल्में बन रही क्या उनके लिए? सॉरी बट यार कमेंट करके बताओ किन किन को ऐसा लगता है कि जब भी कोई डांसर दिखाना तो थाला गरीब दिखा देते हैं, बल्कि टैलेंटेड दिखाना तो गरीब बच्चा दिखा देते हैं, अमीर का बच्चा टैलेंटेड कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो बेसिक कहानी होने वाली है ग्रुप की होने वाली है। इस मूवी में आपको धर्मेश भी नजर आएंगे, राघव भी नजर आएंगे, इस मूवी में आपको साजन भी नजर आएंगे, एंड बहुत कम लोगों को पता है कि साजन इज द बॉडी डबल ऑफ सलमान खान, जो कि आपको डांस रेडी डांस 1 में भी नजर आए थे। और इस फिल्म में होने वाली है कुछ एक्ट्रेसेस, वो भी आपको डांस से ही दिखेंगी, और अभी तक नाम किसी का रिवील नहीं हुआ, बट डेफिनेटली आपको वृतिका तो दिखे जाएगी, शी इज अ गुड नेम, और शक्तिका आई डोंट नो, बट वृतिका तो मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है कि हाँ वो तो हो ही सकती है। बाकी किसी का नाम नहीं आया है, बट सलमान यूसुफ खान का नाम आ सकता है, क्योंकि सलमान ने पहले भी एक मूवी ऑफर की थी उनको, अपनी मूवी वांटेड। वांटेड में दिखे थे वो 10-15-30 तो ज़्यादा हो गया 15 सेकंड के लिए। बाकी अब आप देख लीजिए, सूरज पंचोली है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ जाएगा। बाकी धर्मेश सर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप उनके फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए उनके लिए, और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन एक्साइटेड है धर्मेश सर को लेकर, जैसे कि मैं। बाकी मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।